पाकिस्तान ने पुंछ में फिर से तोड़ा सीजफायर, ब्रिगेड मुख्यालय को बनाया निशाना। पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए मंगलवार को पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने अपनी गोलाबारी में पुंछ के नागरिक इलाके एवं ब्रिगेड मुख्यालय को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की ओर से दागा गया एक बम का गोला पुंछ शहर के पिछले इलाके और ब्रिगेड मुख्यालय के पास गिरा। समझा जाता है कि पाकिस्तान ने इस बार गोलाबारी के लिए अधिक तीव्रता वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है। अभी एक घंटे पहले खबर आई थी कि देर वॉज सम ब्लास्ट लाइक एक्टिविटी इनसाइड द ब्रिगेड, और जब हमें खबर मिली थी वी रश्ड विद आवर ओन पार्टीज अलॉन्ग विद अदर मेजर्स कि वी थॉट दैट कि देर माइट बी सम काइंड ऑफ अटैक, बट अभी प्राइम एफ एस सी जो हमें नज़र आया है देर इज़ अ शेल विच हैज़ लैंडेड फ्रॉम अक्रॉस, जो बाहर से लैंड हुआ है इनसाइड द ब्रिगेड एंड एक स्टोर पर उसने हिट किया है, जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं है, जहाँ पर किसी जान का नुकसान नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लास्ट इम्पैक्ट थोड़ा सा धुआं वगैरह आया एंड अभी उसको आग लग गई थी एंड उसको बुझाया जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन, हमारी पार्टीज ऑन स्पॉट हैं एंड स्पेशलाइज यूनिट्स आर ऑन स्पॉट हु आर जस्ट ट्राइंग टू असर्टेन दी काइंड ऑफ ब्लास्ट। तो बाकी जो फैक्ट्स हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर इसमें कोई नुकसान है? मैंने आपको पहले ही बता दिया देर इज नो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, एक जस्ट शेड को नुकसान पहुंचा है थोड़ा सा जी शेड पे लैंड किया। हाल ही में पाकिस्तान ने कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्या ये देखिए आई नॉट कमेंट ऑन अपॉन दैट पार्ट, आई विल जस्ट स्पीक अबाउट दिस ओकेजन कि ये जस्ट देयर इज अ काइंड ऑफ ब्लास्ट, मोस्ट प्रोबेबली इट इज फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम अक्रॉस, द शेल हैज लैंडेड ऑन टू द स्टोर एंड देर इज अ डैमेज, सिंपल डैमेज, कोई बहुत बड़ा नहीं है, स्टोर को डैमेज हुआ है, देर इज नो लॉस ऑफ लाइफ, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, वी विल स्पीक लेटर ऑन, थैंक यू।